हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर वही रेडियो के फटाफट, उधर अनुज भैया पीछे से आते हुए और रजनीश जी वेट करते हुए। चलो 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 गाइस, आज मैंने हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा सूट लिया है। इसको मैं जाके पहन के रेडियो के फिर दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी कि कहाँ से आया। सो गाइस, सुबह से शाम हो गई है और मैं ऐसे रेडियो पे घूम रही हूँ। पता नहीं क्यों ब्लॉग की शुरुआत जो भी होती है लड़ाई से होती है। तो लड़ाई से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आज एक आउटफिट पहना है। आप देख के बताना कि कैसा लग रहा है। पंजाबी, प्योर पंजाबी लुक मैंने लिया है। और ये मुझे सूट जो है ये गिफ्ट किया है जिन्होंने किया है, उनका मैं इंस्टा हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उनका लिंक। और मेरे आप इंस्टा पे भी जाके वीडियोस देख सकते हो, मैंने उनको मेंशन भी किया है, क्लैब में भी है वीडियो। और आउटफिट इतना प्यारा लगा है ना, सच में बहुत पसंद आया। तो अगर आपको भी रेडी करवाना हो, इसमें ना टोटल हैंडवर्क है, ये उन्होंने मतलब मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बना के दिया। आप कस्टमाइज करवा सकते हो, जैसे मैंने तो सलवार पर भी वर्क करवाया है, पूरे घेर पर भी है, स्लीव पर भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करवा सकते हो उनसे। और आप बताना जरूर कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। दुपट्टा मैंने और गंजा का बनवाया है। इसमें वो बोल रहे थे कि शिनॉन, शिफॉन और जो भी मल्टी तरह के आजकल वैरायटी आती है, फैब्रिक आता है और बहुत सारा और भी उनके पेज पे है। तो जाके विजिट कर लेना और देखना, और अगर किसी को पसंद आए तो आप बनवा सकते हो मेरे लिए। और मुझे भी बताना कि कैसा लगा, ठीक है? तो अभी सब कुछ ख़त्म हो गया था तो मैं उस बंदे की ओर देख लूँ। मेरे को 2 बजे से मैं रेडी होकर बैठी हूँ और इन्होंने मेरे को बोला था कि आज फिर चौकी डाली जाएंगे। और चौकी डाली के चक्कर में क्या टाइम हुआ, 6 बजने वाले हैं, शाम 6 बज रहे हैं। अनुज भैया चौकी डाली का प्रमोशन, चौकी डाली का प्रमोशन भैया मजा के रील्स बन जाती हैं, इंजॉय कर लेते थोड़ा बहुत, घूम फिर लेते। पर मजा आ रहा है इस बंदे का। अभी भी मैं ऊँचा बोलूँगी ना तो वो फ़ोन पे हैं, फिर भी बाद में मेरे को यही बोलेंगे तेरे 2 मिनट सबर नहीं होता, सुन ही नहीं रहे। भैया अनुज भैया पूरा साथ देते हैं इनका। गए सर, गए, अब ऑफिस में से नहीं निकलेंगे। तो गाइस अभी अगर हो सका तो हम आज जरूर जाएंगे कहीं, नहीं तो मैं फिर चेंज करके और फिर मैं इतना बड़ा मुंह बना के घर जाऊंगी यार। आज की तरह हंस रहा है ये लड़का, ये पूरा साथ देता है आज कल, ये नकली हंसी है तेरे अंदर से तो इतना दुखी है ना ये। समझ रहे हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर कहीं गए तो जरूर दिखाएंगे, नहीं तो इतना सब लोग देख के और खत्म कर देना। तो गाइस हाल देख लो, 6:30 हो गए हैं और फिर मैंने दिखा देती हूँ चेंज वेंज कर लिया और अब घर की ओर जा रहे हैं। हंस लो करवा लो मेरी और बेइज्जती करवा लो। 3 दिन हो गए उधर रीवा ने जोत करती है। जय बाबा जी इनको भी कोई मत बख्शो, सुमत बख्शो इन्हों, आगे से बोलना भी नहीं है क्या ये ईवा, तेरे को क्या हुआ? मेरा फाइन लगा रहे हैं। फाइन लगा रहे हैं किस चीज का? तू बात मान लेना, फिर जा रही हूँ मैं आंटी। हाँ वो देखो नमक चक्की फिर दे, आज नहीं जाना, लंगर का इंतजाम करे या तुसी मेरे। कोई नहीं, लंगर ले तैयार है, घरों लेके आओगे ले आऊंगे। आज आंटी फिर तुसी भी मेरी तरह येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज बन के घूम दे। सूट बहुत सोहने होते आंटी दे, चकमे चकमे सूट पोनी आंटी नहीं पाते, एडे सोहने सूट आज चकमा नहीं, और इन्ना सोहना है हाँ वे किचर किचर कर दे, सोहना नहीं दें गल, सोहने लग दो सच्ची। दस्यो भी कमेंट करके साड़ी आंटी कि लगते सोहने लगते है ना, अच्छी लग रही, मान जा कर मेरी माँ कभी मान जा कर। तो गाइस देख लो मेकअप मुकअप तो मेरा एज इट इज है, अगर अभी भी कहीं ले गए तो अब मैंने इसके साथ ये वाली जुत्ती पहन ली है, मैचिंग हो रही है ना भैया। अनुज भैया तो इस पता नहीं गम में है, आ गया इनको कोई गम, क्लाइंट आ गए, क्लाइंट सुबह सलोन से आ गए थे घर, और घर आते ही रजनीश जी बोले हैं कि तुम्हें मेला दिखाने लेके चलता हूँ, जो कि अनुज भैया बिल्कुल फेवर में नहीं है। कितने चले हैं कौन से मेले में? कोमल भी रेडी हो चुकी है, आज हमारी कोमल ने कुछ ऐसा सा लुक लिया है, चेंज होती जा रही है कोमल, बताना जरूर कैसी लग रही थी। आज मैंने 4-5 लोगों के बारे में पूछ लिया, बताना जरूर। एक केला मेरे को भी दे दे, भूख लगी है, इधर देखो सारे खाओ एक एक भूख, तो मेले में ये घुमा के ले कहेंगे खिलाएंगे घर आके देख लो।
हमारे साथ इतनी माड़ी हुई है, जिस मेले को देखने थे वो मेला ही बंद हो गया। बहुत अच्छी हुई है, मेला बंद हो चुका है बिल्कुल। दो रोंदल थे पक्के हमारे साथ, एक अनुज भैया और एक नक्कू, ये दोनों आना नहीं चाहते थे, फिर भी हम लोग आए। मेला बंद अब घर चलो, हाँ घुमाओ अब मेला। वो देखो अनुज भैया की बातें सुन लो, सामान देख के कैसे कैसे फोल्ड कर रहे हैं। अनुज भैया अभी तो मेला पक्का दिखाएंगे आपको। मेरा मेला तो 24 घंटे रहता है, पता है आपको? क्यों? वो देखो बहुत अच्छा सीन, वो स्मैट रहे सामान, कहाँ सामान लपेट रहे हैं भैया, लगा दो दोबारा दो। गाइस उस साइड पे मेला था, वहाँ पे हद ही होगी भाई, हद। दो दो मिनट लगा दो, एक बहुत माड़ी बनती है हमारे साथ। किसने कहा नाना बताओ? जाके बैंगन का भरता खाते हैं बस। तो इधर भाई इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो रही है, तो नक्कू जो है अनुज भैया किस नाम से जाना जाएगा? सीएम ऑफ पंजाब। सीएम लड़ने मन का नाम तो चेंज करके सीएम ऑफ पंजाब नक्कू। अच्छा लगे ना नाक, नाम सॉरी नाक क्या नाम जो है थोड़ा ऐसा भारी भरकम होना चाहिए। नेक चंद उर्फ नक्कू। हाँ नेक चंद रख देते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे पंजाब के नेक चंद भावी यंग सीएम नेक चंद, नेक चंद, नेक चंद जांगड़ा जो उसके जो नेकी करते हैं दरिया में। हाँ नेक चंद ही सिर्फ नेक चंद उर्फ नक्कू। इसको नाम राम कुमार, राम शरण या कुलभूषण, कुलभूषण कुलभूषण मैंने लल्ला राम रख दिया इसका नाम। कुल्ला काम करे कुल्ला। लल्ला लल्ला चंद रख देते हैं नक्कू, वो रख देते हैं। हाँ खूंखार सिंह, खूंखार सिंह बलवंत राय, बलवंत राय ठीक है, बलवंत राय रख देते हैं। तू पॉलिटिशियन बनना चाहता है ना, रख देते हैं भगत, पॉलिटिक्स में जाना। भगत सिंह तो बहुत अच्छा नाम है, पर भगत सिंह बन के दिखाना पड़ेगा। बलवंत राय का पट्टा वो तो बन, कि फिर बलवंत राय का कुत्ता ले आया तू। तो अब मेला तो देखा नहीं, इधर तैयारियां हो चुकी है सीएम बनने की। वाह भाई सीएम के इलेक्शन लड़ेंगे, पहले पेपर की तैयारी कर ले। हाँ टेंथ क्लियर तो कर ले सीएम साहब। तू अनुज भैया के मुंह पे मारेगा पुणी, पुणी मार के तू कत्ल कर सकता है किसी के। सो गाइस जिसको कहते हैं लौट के बुद्धू, बताना इधर बताना। लौट के बुद्धू घर को आए, आए तो क्यों आए, घूम फिर के आ चुके हैं वापिस, क्योंकि मेला उजड़ गया। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर। वो मैं बता रहा हूँ, कल जो था ना मेले में गुज्जर आ गया था। जिंदगी में पहली मूवी देखने हम गए थे, जब भी मैं पहली और लास्ट मूवी थी हमारी लाइफ की दोनों की, उसके बाद हमने मूवी नहीं देखी। मेरी मम्मी पापा की शादी को 40 साल हो गए हैं, उन्होंने भी इतनी फिल्में देखी है। मेरी मम्मी कहती है मेरे को तो समझ में नहीं आती थी हॉल में बैठ के कि मैं क्या है ये, और पापा दिखाते थे, मतलब सुन रहे हो तुम ना। हाँ, नहीं दिखाते थे, सच में दिखाते थे, मेरी मम्मी बताती है। रजनीश जी मेरी मम्मी को दिखाए, मेरे पापा ने प्रेम रोग और जो है उस टाइम की जो फेवरेट फेवरेट मतलब अच्छी अच्छी फिल्में थी मूवी, वो घर संसार है ना, घर द्वार, ये उस टाइम पहले आती ही थी पारिवारिक की आती थी मूवी। पर रजनीश जी मेरे को एक मूवी दिखाने ले गए थे जब वी मेट, उसके बाद आती देखी बाहर आ गए हम, क्योंकि इनको ज्यादा टाइम बैठना पसंद नहीं। फिर हम घूमने चले गए एक मॉल में, तो उसके बाद आज तक हम कभी मूवी देखने नहीं। टाइम में एक मूवी लगी थी, लोगों को पता होगा वैसे मुझे भी नहीं, चंद्रावल करके था, उसका बहुत ज्यादा रुख का था, बहुत ज्यादा चंद्रावल मूवी। उस टाइम मतलब फिल्मों का बहुत भयानक क्रेज था कि भाई देखनी है भाई, फिल्मों का अब तो खत्म ही हो गया। इधर इनसे आप सुन रहे हो, मैं तो 3 दिन से नहीं जाते हैं, नहीं जाते थे मतलब, अब तो चलो एक गर्मी हो गया सारा सिस्टम। ये रही मेरा थिएटर, ये रहा होम थिएटर। तो गाइस ये बंदा मेरे को मूवी देखने नहीं लेके जाता कहीं नहीं। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए बताओ मेरे को। ये दोनों देख लो, ये दोनों देख लो, एक नीचे नाच रहा है ले, और एक इधर कपड़े खाने लग गया कि कहाँ से आई है तू। यहीं थे बेटा, कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे। मेला बच्चो ए छोटा कोको, मेला छोटा कोको, मेरा छोटा काका, उसको देखना नन्ना, उसको तकलीफ हो रही है भी, इसके साथ मस्ती चल रही है मेरे साथ, क्यों नन्ना कौन सा बोल जाएंगे आगे से। ठीक है गाइस आ गए हैं घर पे, खाना खुना खाते हैं एक बार। नहीं नहीं डोलू शेफ पागल तो नहीं हो गए दोनों, खाना खुना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। भाई यहाँ पे खाना आ चुका है, तोरी की सब्जी, भरता, दूध, दही, लस्सी,
बैठ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए बेड पे ही हम लोग।